नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। दर्द मिटा शीतलता देंगी माँ शीतला, ऐसे करें पूजा। शीतलाष्टमी और माँ शीतला की महत्ता का उल्लेख स्कंद पुराण में बताया गया है। ये दिन देवी शीतला को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शीतला माता चेचक, खसरा आदि की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। इन्हें शक्ति के दो स्वरूप देवी दुर्गा और देवी पार्वती के अवतार के रूप में जाना जाता है। इस दिन लोग माँ शीतला का पूजन करते हैं ताकि उनके बच्चों और परिवार वाले इस तरह की बीमारियों से बचे रह सकें। कुछ लोग इसे सप्तमी के दिन मनाते हैं और कुछ प्रांतों में ये पर्व अष्टमी के दिन मनाया जाता है। दोनों ही दिन माता शीतला को समर्पित हैं। महत्वपूर्ण ये है कि माता शीतला का पूजन किया जाए। प्रचलित मान्यता अनुसार दोनों ही दिन पूजन से माँ का आशीष मिलता है। शीतला माता के नाम से ही स्पष्ट होता है, माँ किसी भी समस्या से शीतल राहत देती हैं। यदि किसी बच्चे को त्वचा संबंधी या अन्य गंभीर बीमारी हो जाए तो उन्हें माँ शीतला का पूजन करना चाहिए। इससे बीमारी में जल्द राहत मिलती है। शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला का विधिवत पूजन करने से घर में कोई व्याधि नहीं रहती और परिवार निरोगी रहता है। माँ शीतला हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए होती हैं तथा गर्दभ की सवारी किए ये अभय मुद्रा में विराजमान है। शीतला माता के संग ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग, घंट कर्ण, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती देवी विराजमान होती हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणुनाशक, रोगाणुनाशक, शीतल स्वास्थ्यवर्धक जल होता है। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्रोत को शीतलाष्टक के नाम से व्यक्त किया जाता है। शीतलाष्टक स्रोत की रचना स्वयं भगवान शिव जी ने लोक कल्याण के लिए की थी। शीतलाष्टमी का वैज्ञानिक आधार क्या है और इसे मनाने के लाभ क्या है ये जानते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ तथा आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। रोग के संक्रमण से आम व्यक्ति को बचाने के लिए शीतलाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन आखिरी बार आप बासी भोजन खा सकते हैं। इसके बाद से बासी भोजन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर इस दिन के बाद भी बासी भोजन किया जाए तो स्वास्थ्य की समस्याएँ आ सकती हैं। गर्मी के मौसम में आपको साफ सफाई, शीतल जल और एंटीबायोटिक गुणों से युक्त नीम का विशेष प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए किस प्रकार करें माँ शीतला की उपासना। माँ शीतला को एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अर्पित करें, साथ ही उन्हें खीर का भोग लगाएं। बच्चों के साथ माँ शीतला की पूजा करें। चांदी का चौकोर टुकड़ा लाल धागे में बच्चे के गले में धारण करवाएं। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।